दो दिन पहले मैंने कहानी की थी अटल बटल से, गांव का नाम सियोड़ा। यहाँ दो मासूम बच्चे हैं, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। उनके पिता की हालत ऐसी है, पिछले 2 साल पे बीमार चल रहे हैं, चेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। ऊँट था उनके पास, एक भैंस थी, बेच दी इलाज के लिए, लेकिन अब इलाज भी रुक गया क्योंकि वो पैसे भी ख़त्म हो गए और कमाने वाला घर में कोई नहीं है। 2 दिन पहले कहानी की थी, हम क्या कर पाए उस परिवार के लिए। एक बार फिर मैं वापस जा रहा हूँ और ये नंबर है जिससे जितना हो सका, जो जितनी हेल्प कर सका वो आज लेके साथ जा रहा है। और उनके लिए हम क्या बदल पाए, प्रशासन के द्वारा उनको क्या दिया गया इन 2 दिनों में। क्या शिव कुमार का, उन 2 मासूम बच्चों के पिता का इलाज शुरू हो पाएगा? क्या वो 2 मासूम बच्चे आम बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर कर पाएंगे? उस बच्ची ने कहा था, उसकी माँ ने कहा था कि अपनी बू के घर गई थी, किसी को शूज़ देखे पहने हुए, वो मांग रही है लेकिन मैं कहाँ से ला के दूँ। क्या हम कर पाए उन बच्चों के लिए, क्या हम कर पाए शिव कुमार के लिए, यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये सारा नंबर है, उससे कहीं ज़्यादा नंबर जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, वो सब हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। नहीं भैया, वो बोलती नहीं है, कुछ नहीं मांगते हैं। अच्छा, बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, नहीं करते। रखे था भी बेच दिया, काम करता है, पैसे जा रहे हैं और बिना भी मन जाए कोई चीज नहीं रखी है। चेस्टा तो अब आगे जो 17 तारीख का कीमो कैसे होगा? देख रहे हैं, दो हजार हो जाए कौन देख। कल उधर गई थी बू के घर, बोल रही है लड़की मैंने बूट लेने हैं, मैं कहाँ से लेके दूँ, इधर तो खाना भी नहीं है मिलता है। जेल्लै बड़ा बमार होई जंदा अस्पताल लेई जंदे, ओल्लै ते खान पीन गै बंद होई जंदा, फ्ही ते असें कोई नहीं है। खाना खाया आपने? खाना खाया। कल कोई आया था? कौन आया था? सोशल वेलफेयर वाले आए थे? क्या किया उन्होंने? इनके बच्चे ने लेते डॉक्टर को, तो कोई फॉर्म भरे उन्होंने? क्या बोलते, पेंशन लगेगी इनकी? शुरू हो जाएगी। तो आज से पहले कोई नहीं आया? नहीं, इधर कौन नहीं आया पहले? पहले सरपंच साहब नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। रोना नहीं। देखो आपके लिए शूज भी लाए हैं,
कपड़े भी। थोड़ा बहुत पहाड़ चढ़कर एक बार फिर मैं शिव कुमार के घर पहुंच गया हूं। यहां आना ज़रूरी था। कहानी मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूं, लेकिन फॉलोअप जो है वो आप लोग करवा देते हो। फॉलोअप आप लोगों का होता है, आप मजबूर कर देते हो। कहानी की है तो इसको अंजाम तक पहुंचाओ। शिव कुमार के लिए हम क्या कर पाए ये मैं हम आपको बताने जा रहा हूं। शिव कुमार जी 2 साल से बीमार हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। चेस्ट कैंसर इनको डायग्नोस हुआ है। इनके पास एक ऊंट था, एक भैंस थी, बेच थी इलाज के लिए। अब दोनों हाथ खाली हैं, वो पैसे भी ख़त्म हो गए, अब आगे सारे रास्ते बंद थे। 2 बच्चे हैं, बचपन से ही, जन्म से ही ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। आप लोगों ने कहा आज के बाद हम उनकी ज़ुबान तो वापस नहीं ला सकते, भगवान के आगे जोर तो नहीं है, लेकिन जो हमसे हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। और आपने किया, इसलिए मैंने कहा कि ये फॉलोअप आप लोगों का है, ये आप लोगों ने करवाया है। रजनी जी, कुछ लोग आए थे कल? हाँ, कल आए थे। क्या बोला उन्होंने? वो पहले नहीं थी आए, पहले नहीं आए, दोस्त आए थे, मीडिया वाले थे, पीओ आए, आखले बच्चे की पेंशन लुआने। मेरा बच्चा हूँ 13 साल का हो, पहले नहीं उन्हें पेंशन लुआई, हूँ आखले लगी उनकी पेंशन। 13 साल पहले वो पंच साहब यहाँ नहीं आए? सरपंच साहब नहीं थे, कोई नहीं आया। मेरा पानी नहीं आता, सारे का पानी आता, मैं साल एक पानी ढोई उतो आती रही तभी तो ताड़ी मी सरपंच मैच मेरी सुनी गई नहीं। मीटिंग आए थे तो एक हूँ आए तो भी पानी आया मेरे। अब आपके बच्चों का पेंशन शुरू हो जाएगा, शायद इसी महीने शुरू हो जाए। मंजीत सिंह जी हैं, हालांकि मैं उनसे मिला नहीं हूं, वो कल आए थे यहां पे, उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की है दोनों बच्चों की, और उनको उन्होंने एश्योर किया है कि बहुत जल्द इन दोनों बच्चों की पेंशन शुरू हो जाएगी। और शिव कुमार को भी रेड क्रॉस से जो इलाज के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा वो भी उसमें मदद करेंगे। मंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका। अगर हम कहानी करें, आप प्रशासन में बैठे लोग जिनके हाथ में ताकत है वो इस तरह से रिस्पॉन्ड कर दें तो कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन यहां के सरपंच साहब जो हैं वो भी आपके साथ आए थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, मंजीत सिंह जी के साथ वो भी आए थे। लेकिन जनाब सरपंच साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, आप आज से पहले क्यों नहीं आए यहां पे? ये बड़ा बच्चा 13 साल का है, आज से पहले आप क्यों नहीं आए? अगर आप इस गांव के सरपंच हो, गांव सेवड़ा, पंचायत एंथम, आप इस गांव के सरपंच हो, ये तो आप कह नहीं सकते मुझे पता नहीं था। अगर मंजीत सिंह साहब ने ये श्योर किया है विद इन 10 डेज, विद इन 20 डेज, विद इन मंथ, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर इन बच्चों की पेंशन शुरू हो जाएगी, तो 13 साल का इंतजार क्यों? सरपंच साहब, ये सवाल मेरा आपसे है, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आज के बाद क्यों नहीं आए? अगर मंजीत सिंह ने ये 15-20 दिन 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी पेंशन इनकी, उन्होंने एश्योर किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते थे? इन्होंने 13 साल का इंतजार क्यों किया? कल कोई और भी आया था, कुछ पैसे दे गए आपको? हाँ, कितने पैसे दे गए? 7,500 रुपया दे। 7,500 दे गए? हाँ जी। बेटी कहती थी कि शूज लेने हैं, बूट के घर गई थी, हाँ जी, बूट देके आई थी, हाँ जी, ये बूट सभी आए हैं आज। अच्छा, इनके बूट भी आए हैं, कपड़े भी आए हैं, आप लोगों के कपड़े भी आए हैं, राशन भी आया है कम से कम 1 साल का। अच्छा, और कुछ पैसे भी आए हैं। शिव कुमार जी, थोड़ी राहत मिली, मिली उन, थोड़ा चैन आया, उन तो इलाज हो जाना।
इलाज हो जाना। लोगों ने बड़ी हेल्प की थी, बड़ी हेल्प की थी लोगों ने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनके अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किया है लोगों ने, वो बड़ी तादाद है, बड़ा नंबर है, बड़े ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने 100, 200, 500, 1000 जो जितना जिनसे बन पड़ा, 45 से 50 हज़ार रुपया इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। और उसके बाद जनाब जो जो काम आप मुझे देते हो ना, ये बड़ा ख़तरनाक काम है। एक शख्स ने ये कह दिया कि मैं पैसे आपको दे रहा हूँ, मेरा नाम मत लेना। मैंने कहा जनाब अगर इस तरह से करोगे तो फिर आपको रसीद चाहिए, आपने मुझे पैसे दिए, क्या पता मैंने पहुँचाए या नहीं पहुँचाए, मैं ऐसे लेके नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने मुझे अपनी वाइफ का नाम बताया कि आप उनका नाम ले लेना। ये कुछ लोगों ने पैसे भेजे हैं, सबसे पहले नवजोत सिंह और जगदीप सिंह, ये दो भाई हैं। शुक्रिया नवजोत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने 5,000 रुपये भेजे हैं। ये 5,000 रुपया नवजोत और जगदीप दो भाई हैं, उन्होंने भेजे हैं आपके लिए। और उसके बाद नेहा इटली, नेहा इटली चली गई हैं, लेकिन अपने वतन को, अपने लोगों से मोहब्बत है उनको, इनका दर्द वो देख नहीं सकती। नेहा ने 5,000 रुपया भेजा है, ये आपकी एक बहन है नेहा, इटली में रहती है, उसने 5,000 भेजा है। और उसके बाद जनाब ये वो शख्स हैं जिन्होंने कहा मेरा नाम मत लेना, लेकिन आप पैसे दे देना, मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने फाइनली कहा कि ठीक है आप मेरी वाइफ का नाम ले लेना। उनका वाइफ का नाम है पूजा राजपूत, इन्होंने 6,000 रुपया भेजा है, ये आपके लिए 6 और 5 11 और 11 और 5 16,000 रुपया ये टोटल आया था जो मैंने आपके हवाले कर दिया। और आपके अकाउंट में लगभग 50,000 रुपया लोगों ने डिपॉजिट किया है। उसके बाद जनाब जशपाल नई बस्ती से हैं, इन्होंने भी अपनी सेवाएं भेजी हैं। आपको याद होगा जशपाल जी के बारे में, नई बस्ती में इनकी एक मनी बैंक लगाया है इन्होंने, एक बुगनी लगाई है अपने दुकान में, जो भी उसमें सेवा डालता है उसके बाद उस बुगनी को खोला जाता है, एक हफ्ते बाद 10 दिन के बाद जो भी सेवा निकलती है वो जी लोग करते हैं। ये नाम है जशपाल गुप्ता जी, बब्बल जी टेंट हाउस, अनु चौधरी जी ये ऑटो चलाते हैं। और उसके बाद दलबीर बिट्टू जी, पंकज भंडारी जी, पप्पू जम्वाल जी, दिनेश शर्मा जी, जगदीप जी, हरदेव सिंह जी, जीएस टेक्सटाइल हैप्पी जी, तारा चंद मेहरा जी, सरदारनी परविंदर कौर जी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं सोहन गुप्ता 11 साल उम्र है इनकी, गुनम गुप्ता 5 साल उम्र है, आदविक गुप्ता आदू 9 साल उम्र है इनकी, और जानवी चौधरी मात्र 12 साल इन बच्चों की उम्र है, नई बस्ती में जो रहते हैं। और जो सोहन गुप्ता और गुनम गुप्ता नगरोटा में रहते हैं, इन्होंने भी अपनी सेवाएं भेजी हैं। उन्हीं सेवाओं के चलते जो भी राशन जशपाल जी के द्वारा आया, इन बच्चों के शूज़ कपड़े जो भी चीज़ें आई वो इन्होंने यहाँ पे हमने इनको हैंडओवर कर दी। मनजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी हेल्प इन लोगों की हो गई है। राहिल साहब आज यहाँ आने वाले थे, नहीं आए, उनकी थोड़ी सेहत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन कल वो आएंगे, कल वो आएंगे, जो भी इनको हेल्प वो करेंगे। अब मैं आपको उन लोगों से मिला देता हूँ जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, जिन्होंने मजबूर कर दिया कि क्योंकि मैंने कहा कि कहानी मेरी नहीं होती, कहानी मैं खुद करता हूँ, कहानी पे मेरा जोर होता है कि यहाँ मुझे जाना है, लेकिन फॉलो अप इन लोगों का होता है। ये सैनी साहब हैं, के पी सैनी साहब। सैनी साहब आपने कहानी देखी थी, आज आप थोड़ा चलना भी पड़ा, पहाड़ भी चढ़ना पड़ा। रविंद्र जी आप कहानियाँ जो वायरल करते हो, जो कहानियाँ ऐसी होती हैं कि बंदा सोचता है यार हम इंसान बन के आए हैं मगर अगर किसी के काम नहीं आएंगे तो ये जीवन कोई सदा रहने वाला नहीं है। तो वही बात सोच के मैं बहुत बार आपको कॉल करता हूँ कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ और आता भी हूँ। जब ये स्टोरी देखी इस परिवार की, ये बड़ी एक मतलब दुख भरी ये स्टोरी है, कुछ मालिक की भी ईश्वर की भी मर्जी है कि दो बच्चे हैं वो ना सुनते हैं ना बोलते हैं। तो अगर कोई यहाँ इनकी मदद करने आता है जहाँ हम आए हैं तो मुझे लगता है ये भी ईश्वर की ही मर्जी है। एब्सोल्युटली। चनी साहब मुझे बताया क्या हेल्प किया आपने इनकी? सर मैं इनकी हेल्प कैश दे रहा हूँ मानव सेवा संस्था की तरफ से। जी जी जी। ये 5,000 रुपया है और उन लोगों का मैं यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वही लोग हमारे पीछे खड़े हैं। बिल्कुल। तो हम तो खाली आगे दौड़ने के लिए आते हैं। तो एक बार मैं फिर सर कह देता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
और मानव सेवा संस्था में जो लोग मेरी सपोर्ट करते हैं उनका, और स्पेशली सर मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर माजिद मलिक शाह, वो अपने धर्म कर्म से ऊपर उठ के हर स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्रांसफर करते रहते हैं, बड़े लोग हैं। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि यार इसी तरह से सारे अगर लोग आगे आए तो कोई भी भाई बहन हमारा जो है वो दुखी नहीं रहेगा। नहीं प्लीज आप जी दे दे उनको, आप दे दे जाके उनको, उनके उनको दे दो आप, रजनी रजनी जी को दे दो। ये केयर क्लब टीम के मेंबर हैं, और जानकारी के लिए बता दूं इस कहानी को मुझे इन्हीं लोगों ने बताया था। इन्होंने कहा था रविंद्र जी आप एक बार विजिट कर लो, अगर आपके इन्वेस्टिगेशन में कहानी खरी उतरती है तो आप करना। सबसे पहले केयर क्लब टीम यहाँ आ चुकी है, इनको राशन दे चुकी है इस कहानी के चलने से पहले। ये सोनू साहब हैं, इन्होंने मुझे कहानी बताई थी। सोनू साहब क्या कहना चाहते हो, बहुत ज़रूरतमंद परिवार थे फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया कि आप देख के लिए फैसला करो। आप जहाँ आप हो वहाँ कह नहीं सकता कि भगवान का आप दूसरा रूप हो दुनिया में, कि आप लोगों की यहाँ पे मदद कर लिए इनके आते हो, और आपके पीछे सारे भाई खड़े हैं। Absolutely. कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और ये सागर आज यहाँ पे इकट्ठा हो गया, सागर इकट्ठा हो गया और इनके भाइयों की मदद होगी बस। और सबसे शुक्रिया आपका कि आप इन जैसे बंदों की तरफ पहुँचते हो जो यहाँ देखते हो। शुक्रिया सोनू साहब। भगवान बनना आज की डेट में बड़ा आसान है, चंद रुपए किसी को दे दो, किसी की मदद करो, भगवान इंसान बन जाओ जो किसी का दर्द पहचान ले, किसी के दर्द में दुखी हो जाए, किसी की खुशी में हंस जाए, वो इंसान है। ये गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं, और ये आदमी, अगर ये आदमी साथ नहीं होता तो शायद हम ये पहाड़ नहीं चढ़ पाते। 10 बार इसने पूछा कितना दूर और कितना दूर और कितना दूर, मुश्किल था इसके लिए लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मन में जज्बा था कि शायद ये मेरे पहाड़ चढ़ना, ये मेरे कदम जो हैं एक अच्छे काम के लिए उठ रहे हैं। चंदीप जी मुश्किल था? नहीं सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं था सर। पहाड़ तो मैटर नहीं करता, जहाँ पे सेवा करनी है तो वहाँ पे करनी करनी है सर। क्या सेवा की आप लोगों ने आज? सर हमने गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट की तरफ से इनको 2 महीने का राशन दिया है, तो सर यही सेवा थी हमारी। और सर हम आपके मीडियम के माध्यम से सबको ये बोलना चाहते हैं, कोई भी ऐसा परिवार दिखे तो सर वो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें, और हम की ऐसे सेवा करते रहेंगे सर उनकी। आपको मेरी कहानियाँ देखनी पड़ेंगी उसके लिए। जी 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 बिल्कुल सर। ये एपी साहब हैं, हाल ही में इनकी शादी हुई है, इनको मुबारक भी है, शादी है इनकी, लेकिन मुझे लगता है 15-20 दिन ही हुए होंगे, लेकिन सेवा करने के लिए फिर वापस आ गए हैं। आप यहाँ पे आए, कहानी देखी थी आपने? हाँ जी सर, हमने कहानी देखी थी आपकी, भाई साहब ने मुझे टैग कर दी थी, फिर कहानी देखी थी आपने। बीवी क्या बोलती है, मना तो नहीं करती यार कहाँ जा रहे हो, 15 दिन शादी को? वो कहती है जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगा। अगर मेरी तरफ से भी कोई सपोर्ट चाहिए मुझे बता दो। अभी साहब बहुत बहुत मुबारक आपको, वो मुबारक शादी की, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे काम करते हो। ये जो लोग हैं, नाम भूल जाता हूँ, सुशील नाम है शायद, सुशील और पूजा अपनी वाइफ के साथ आए हैं। कहाँ हैं वाइफ? अंदर है। क्या कहना चाहते हो सुशील जी? सर इनकी स्टोरी देख के बहुत दुख हुआ कि ये बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो ये जिस रास्ते से हम लोग आए हैं ये तो वैष्णो माता की चढ़ाई से भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन सेवा करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इनकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। ऐसे लोग होते हैं जिनके फॉलोअप इन लोगों का होता है। ये कार्तिक साहब हैं, कार्तिक साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी कहानियों में तो ये आते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ ये कैमरे के सामने नहीं आते, आज मैं बता दूंगा। BSF, CISF बच्चे आज भी बैठे हैं, इनको लेना देना नहीं है कि वो किस काज के लिए बैठे हैं, क्या उनकी डिमांड है, पूरी होगी नहीं होगी, लेकिन ये उनकी मदद करते रहते हैं। पानी चाहिए उनको, खाना चाहिए, कंबल चाहिए, बिस्तर चाहिए, इनकी हेल्प करते रहते हैं। हालांकि कभी हमने वो कवर नहीं किया, लेकिन ऐसे काम कार्तिक साहब करते रहते हैं। कार्तिक साहब ये कहानी आपने देखी थी? बिल्कुल सर, कहानी तो ज़रूर देखी थी आपकी, और कहानी देख के सर फिर वही मैं कहूँगा, क्या कहाँ सोए हैं यहाँ के पंच सरपंच, कहाँ सोए हैं वो लोग? जब तक आप स्टोरी नहीं करेंगे ये लोग काम नहीं करेंगे, इनकी अपनी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। ये चीज़ तो है सर, जिस दिन आप कोई स्टोरी करते हैं उसके बाद सब लोग आ जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इतने कितने परिवार अभी भी बच गए हैं, हम सबको कवर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। और ये वहाँ काम भी नहीं करते हैं। देखो आप समझना पड़ेगा कार्तिक साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, 13 साल से पैदा होते ही ये गूंगे बहरे थे, ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। सरपंच साहब 13 साल के बाद आए इनके पास? सर BDC बना लिए, DDC बना लिए, मैं गारंटी देता हूँ सर, हर एक पंच सरपंच इनके घर वोट मांगने जरूर आया होगा, चाहे वो हारा हुआ कैंडिडेट हो जीता हो, इनके घर वो वोट मांगने नहीं आया होगा,
एक वोट की तो एक ही वैल्यू, मेरे वोट की, इनके वोट की, सबकी वोट की, सब बराबर वैल्यू है, तब इनके आगे शायद उन्होंने आगे हाथ पांव भी जोड़े होंगे। लेकिन आज जब उसके बाद जीत गए या जो लोग हार भी गए हैं, हारने के बाद भी यार थोड़ा सा एक इंसानियत रखते यार, इनकी थोड़ी सी मदद कर देते। आवास योजना है उनके तहत इनका मकान बनना चाहिए था, ऐसे परिवारों को नहीं बना हुआ अब तक। आयुष्मान भारत का कार्ड वो मुझे पता नहीं है शायद इनका बना है या नहीं बना, उनके तहत इनका इलाज, इनकी मदद होनी चाहिए थी, अभी तक वो भी नहीं हुई है। कब तक सिविल सोसाइटी थी सर आगे आती रहेंगी, कितने लोग ऐसे ही रह जाएंगे जब तक जहाँ सिविल सोसाइटी नहीं पहुँच पाएंगे। कार्तिक साहब क्या हेल्प करने जा रहे हैं सर? आज हम जो है थोड़ा एक हमने राशन लाया, दूसरा सर अभी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन हमने एक रजिस्टर किया मोहल्ले के लेवल पे, एक फंड जो है वो मोबिलाइज हो रहा है, उसमें अब तक 11-12 हज़ार रुपया हो गया। अभी कुछ एक शादी हमारे मोहल्ले में, आज बच्चे वहाँ बिजी हैं, शाम तक शायद उसमें कुछ अच्छा खासा अमाउंट 20 हज़ार रुपये तक वो गैदर हो जाएगा, वो इनके अकाउंट में शाम तक ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बात है कार्तिक साहब, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और जिस तरह से मंजीत सिंह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हैं, ऑफिसर हैं कोई, वो यहाँ आए थे, उन्होंने एश्योर किया, वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के डिपार्टमेंट में जो लोग भी हैं जनाब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, इनके मकान का पैसा सैंक्शन हो गया है, नाम इनका टॉप पे है, शायद पैसा आ भी गया होगा आपके पास, वो इनको पहुंचा दीजिए जनाब, इन तक पहुंचा दीजिए, या उसके लिए अलग से कहानी करनी पड़ेगी, ये आप देख लीजिए। यहाँ कुछ लोग और हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कैमरा के सामने नहीं आने, उन्होंने मुझे इशारा कर दिया कि मैं कैमरा के सामने नहीं आऊँगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे ही कामों के लिए लोग हैं जो अपना काम करते हैं। रेखा जी मिसिंग है, रेखा जी मेरे साथ आई थी, पूजा जी, ये पूजा जी हैं। पूजा जी क्या लगा था कहानी देख के? सर बड़ा दुख लगा, बहुत ज़्यादा, देख के तो लगा कि आना चाहिए हमें यहाँ पे, हेल्प करनी चाहिए इनकी आके। आपने फाइनेंशियल हेल्प? हाँ जी, फाइनेंशियल हेल्प। रेखा जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कहना मुझे। किस तरह की हेल्प करेंगे आप? पैसे ही दूंगी कुछ, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे जी, वही इनके काम आएगा, इनके इलाज में काम आएगा जनाब, इनका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। लेकिन मंजीत सिंह जी, मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जो आपने जो फॉर्मेलिटीज़ आप इनसे लेकर गए हो इन बच्चों की पेंशन के लिए, और आपने एश्योर किया कि रेड क्रॉस भी इनको पैसा देगा, इनके इलाज में मदद करेगा, जनाब इसमें आप वक्त मत लगाना। मुझे पता है आपने कहा कि शायद अगले महीने तक इनका पेंशन आ जाएगा, वो कर देना जनाब। और सरपंच साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पहले आपने क्यों नहीं किया? सरपंच इसलिए बने थे, अगर आपने कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि आप कभी इनके पास आए ही नहीं, फिर कोशिश कैसे की होगी आपने? उसके लिए डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना, आप किसी को आपने अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट तो चाहिए, आप इनके पास आए ही नहीं। इन्होंने बोला पहाड़ ऊंचे हैं, मैं समझता हूँ, ऊबड़ खाबड़ जमीन है वो भी समझता हूँ, लेकिन ये पहाड़ तब भी ऊंचे थे जब आपने इलेक्शन लड़ा होगा, ऐसा तो नहीं था प्लेन था जब आप जीत गए तो ये ऊंचे पहाड़ निकल आए बाहर। तो आप समझ लो जनाब कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपने पूरी करनी है। रजनी जी काफी हेल्प हो गई? हाँ जी, अकाउंट में 50,000 तक आए हैं, ये भी 20-25-30 हज़ार लोगों ने कैश भी दिया आपको। हाँ जी, और राशन भी आ गया है, बच्चों के कपड़े भी आ गए, वो सब चीजें आ गई जिसकी जरूरत थी आपको, घर में नलका भी, पानी भी आ गया जी, अब तो कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं। ये आपकी पेंशन भी लग जाएगी बच्चों की? कुछ कहना चाहते हो अभी? नहीं। आपको परेशानी तो नहीं है ना? नहीं। चलो ठीक है, हमारी यही कोशिश थी कि हम ये कर पाए, हमारी यही कोशिश थी। मुझे लगता है कि मैंने उन सभी लोगों के नाम ले लिए जिन्होंने इसमें हेल्प की थी। भाई यही है जनाब, भाई यही कहानी है, ये कहानी हमने शुरुआत की थी उसको आपने अंजाम तक पहुंचा दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, 10 स्टेट सेंटिनल के लिए।